रायपुर शंकर नगर के बीटीआई मैदान में राइस एक्सपो प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें मिलर्स के 50,000 से लेकर 50 लाख तक मशीनें हैं। ये प्रदर्शनी लगने से राइस मिलर्स को काफी फायदा होगा। विदेश की मशीन छत्तीसगढ़ में लाकर बेचा जा रहा है, जबकि ये मशीन विदेश में जाकर लेंगे तो काफी महंगा मिलेगा और लाने का चार्ज भी अतिरिक्त होगा। लेकिन राइस मिलर्स एसोसिएशन की ओर से प्रदेशवासियों के लिए छत्तीसगढ़ में प्रदर्शनी लगाई गई है। रमेश मोदी ने आज रायपुर बीटीआई मैदान में लगे राइस एक्सपो का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शनी प्रदेशवासियों के लिए 26 से 28 अक्टूबर तक लगाई गई है। इसमें प्रदेश भर के राइस मिलर्स जुटे हैं। इस एक्सपो में देश भर के राइस उत्पादक तथा मिलर्स इस बात पर मंथन करेंगे कि मशीनरी के इस्तेमाल से धान की उत्पादन लागत तथा चावल की क्वालिटी किस तरह सुधारी जा सकती है। इसे लेकर भी राइस मिलर्स एसोसिएशन मंथन करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में धान उत्पादन, लक्ष्य, चुनौतियों और महत्व पर चर्चा होगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल तथा सचिव प्रमोद जैन ने बताया कि ये तकनीक का समय है। इसका इस्तेमाल कर लागत घटाई जा सकती है और चावल में गुणवत्ता लाई जा सकती है। चावल की गुणवत्ता बढ़ने से राज्य इस तरह का राष्ट्रीय स्तर का एक्सपो पिछले एक दशक से किया जा रहा है। इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। आज लोकार्पण कार्यक्रम में राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल, सचिव प्रमोद जैन, देवराज विजय तायल, राजीव अग्रवाल, संदीप विवेक शर्मा, अंकित अग्रवाल, लाला भाई, रोशन चंद्राकर, मनोज अग्रवाल समेत अन्य लोग शामिल थे। विश्व हिंदू परिसर के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रमेश मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स को फायदा देने के लिए आज राइस एक्सपो का शिविर लगाया गया है। इससे प्रदेश के राइस मिलर्स को फायदा होगा और 50,000 से लेकर 50 लाख तक की मशीनें शिविर में उपलब्ध है। इन मशीनों से आम जनता को चावल, दाल समेत अन्य खाद्य सामग्री मिलेगी। क्या सबसे पहले तो मैं भाई योगेश अग्रवाल को बधाई देना चाहूँगा कि देश का सबसे बड़ा जो एक्सपो जो है वो छत्तीसगढ़ में होता है। ये 8वीं बार यहाँ पर हो रहा है और गए वर्ष भी यहाँ पर जो एक्सपो हुआ था तो लगभग 100 करोड़ का मशीन यहाँ पर बिके थी। जो देश भर में मशीनें बनती है राइस मिल के लिए जो उपयोगी होती है, छोटे छोटे पार्ट भी जो उपयोग होती है, सब पर यहाँ पर डेमो दिया गया है और देश भर से यहाँ पर लोग आए हुए। जब देश भर से लोग आते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी को जानने मिलती, सब पूरी जानकारी मिलती है, तो इनका व्यापार उद्योग भी आगे बढ़ता है। देखिए, व्यापार को आगे बढ़ाना हो तो टेक्नोलॉजी तो चाहिए और जो एक्सपो लगा हुआ है इसका मेन उद्देश्य टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट और टेक्नोलॉजी यहाँ पर दिखाई जा रही है कि आपको किस प्रकार के राइस मिल में इसको यूज़ कर रही है। For more information, log on to www.clips.in.